Let's meeting upon the concept of our significant figures beta when we apply it to the summation and then beta to the subtraction of the two numbers as such beta. So beta significant figures के लिए जितने भी rules हैं आपने वो सारे rules बेटे अच्छे से last time पढ़े और आपने उनको अच्छे से एनालाइज भी किया, डिस्कस भी किया और हमने उन रूल्स को कुछ एग्जांपल्स के ऊपर बेटे अप्लाई करके अपना रिजल्ट्स को चेक भी किया था। नाउ बेटे जब आप अपना सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट जो है एडिशन के लिए एंड सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई करोगे देन हाउ वी कैन से दैट कि हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो है it will be beta giving us desired results beta bete before I proceed with the rule main teen numbers ko bete add kar raha hu let us add teen numbers main aapke liye bete ye de raha hu 3.07 meter rather second number with me is 13.07 meter ye sorry 3.7 hai beta main 07 likh gaya hu 3.7 meter 13.07 meters aur dear children mere paas teesra number hai 0.0311 meters bete bade dhyan se bete dekhiyega आइए इन नंबर्स को हम ऐड करें जैसे हम छोटी क्लासेस में ऐड किया करते थे जैसे हमें मैथ वाले टीचर हमारे जो हैं वो ये एडिशन सिखाते थे जब हम फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड में थे आइए एक बार फिर से करके देखें मेरे पास बेटे सबसे पहले 3.7 नंबर है मैंने ऐसे इसको थोड़ा सा गैप देकर लिखा है ताकि मैं इनको जो यूनिट्स प्लेस है टेंस प्लेस है हंड्रेड्स प्लेस है वो कंसेप्ट अपने माइंड में रख सकूँ This is 1.307. ठीक हो गई बात बेटे अब देखिए ध्यान से 0.31 and 1 आइए बेटे अब इनको मैं ऐड कर देता हूं ऐड करते टाइम जब हम बेटे लोअर क्लासेस में थे छोटी क्लासेस में थे हमें हमारे मैडम या सर कह देते थे कि यहाँ पे जी कुछ नहीं है आप जीरो लगा लीजिए सो मैं अनम्यूट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को बेटा बेटे डियर साथ साथ मुझे जरूर बताते जाइए बेटा कि आप इस तरीके से किया करते थे कि जब आप इनको हाँ जी बेटे वेरी नाइस सो जब भी हम बेटे लोअर क्लासेस में ये काम करते थे एडिशन के लिए तो हमें ये कह दिया जाता कि यहाँ जीरो लगा लो अपने मन में लगा लो अगर नहीं लिखना तो इधर भी जीरो लगा लो इधर भी जीरो लगा लो तो मैं जीरो नहीं यहाँ पे प्रेजेंटली लगा रहा मैं ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ ये भी क्वेश्चन मार्क ये भी क्वेश्चन मार्क और हम वैसे तो जनरली जीरो लगा लिया करते थे जीरो ही है मैंने जीरो की जगह पर क्वेश्चन मार्क बेटे डियर चिल्ड्रन अप्लाई कर दिया अब मैंने वन को जीरो को और जीरो को पुत्र ऐड किया इट विल बी इक्वल टू वन वन प्लस सेवन यहाँ कुछ नहीं हमने जीरो अपने मन में लगा लिया इट विल बी बेटे अगेन Equal to your beta 7 + 1 + 0 it will be 8 beta 8 मैंने अपनी तरफ से लगा दिया then 7 + 0 7 7 + 3 10 10 का मैंने 0 लिख लिया 1 कैरी होके मेरा इधर आ गया 3 + 3 6 + 1 बेटा 7 और ये 1 एज सच आ गया ये मेरा रिजल्ट आ गया बेटे सारे स्टूडेंट्स मुझे बताइए एम आई ऑल राइट इन डूइंग सो बेटा इश्नूर ख्याति अंजलि राघव बहुत बढ़िया मिताली वेरी नाइस बेटे बहुत बढ़िया और अपने हाँ जी बेटे रमन जीत बेटा रमन 22 रोल नंबर बेटे यस सर बेटे देखिए ये सारा आप सेटिस्फाइड हैं इसे करने से यस सर सेटिस्फाइड अब सारे स्टूडेंट्स मेरी बात और ध्यान से सुनिएगा जब हम ये एडिशन कर रहे थे
पहला आपका जो न्यूमेरिकल फैक्टर था, नंबर था, इसमें आपको डेसिमल की सिर्फ एक प्लेस तक अपना रिजल्ट के बारे में श्योर है, आपको इन प्लेसेस के बारे में पता ही कुछ नहीं है। मेरी बात जरा ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल जो पहला आपके पास फैक्टर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक जगह तक, एक प्लेस तक आप अपने रिजल्ट के बारे में श्योर हैं कि आपका रिजल्ट एक्यूरेट है या आपका डिजिट बिल्कुल ठीक ठाक है, इसके आगे आपको दिया ही कुछ नहीं हुआ। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको यूज करके ऐसा रिजल्ट बना रहे हो जिसमें आपको डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस तक एक्यूरेसी मिल रही है। आप डेड श्योर हैं कि आपका ये देखिए दो प्लेसेस में इतना आ रहा है, तो मुझे बताइए कि इज इट पॉसिबल आपका जो जिस चीज को आप ऐड कर रहे हो वो तो आपके अकॉर्डिंगली लेस एक्यूरेट है, बट आपका जो रिजल्ट बना वो मोर एक्यूरेट है, इज इट पॉसिबल बेटा? जरा ध्यान से सोचिए, बताइएगा। यस बेटा, मिताली, नमन, रमन, राघव, विष्णु, ख्याति, एनीवन फ्रॉम योर साइड बेटा, आर यू स्टिल ऑल म्यूटेड? यस बेटे, नमन 19 रोल नंबर, नमन बेटा। यस सर। बेटे इज इट पॉसिबल कि देखो हमारे पास ये चीज तो लेस एक्यूरेट है लेकिन हमारा रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट हो जाए, इज इट पॉसिबल? बोलो पुत्र। यस अंजलि, वेयर इज अंजलि बेटा? यस सर। बेटे आपका देखो पहला नंबर जो है डेसिमल के सिर्फ एक पॉइंट तक आप इसके बारे में श्योर हैं एक्यूरेसी के बारे में, लेकिन जो रिजल्ट आपको मिला इन द एंड इसमें डेसिमल के बाद तीन प्लेसेस तक आप अपना रिजल्ट एक्यूरेट बोल रहे हैं, इज इट करेक्ट वे टू ऐड द नंबर्स और नॉट? यस नो सर। देन व्हाट वी शुड डू सर? राउंड। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जिन नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो वो नंबर्स आपके डेसिमल के बाद जितनी प्लेसेस तक एक्यूरेट हैं उनके कंपैरिजन में आपका रिजल्ट डेसिमल के बाद ज्यादा प्लेसेस तक एक्यूरेट नहीं हो सकता। इसलिए याद रखिए, चाहे एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, इसमें आपका रिजल्ट जो भी बना एडिशन के बाद या सब्ट्रैक्शन के बाद उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस उतनी रखिए जितनी इन ऐड होने वाले नंबर्स में किसी एक के पास मिनिमम है। ये देखो डेसिमल के बाद सिर्फ एक जगह तक हम अपने रिजल्ट के बारे में एक्यूरेट हैं, यहाँ पे दो प्लेसेस, यहाँ पे तीन प्लेसेस। आई मीन टू से दैट बेटा इन सम और डिफरेंस बेटा एडिशन या आपका जो सब्ट्रैक्शन है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द रिजल्ट शुड बी कैप्ट इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बेटे। तो मिनिमम किसके पास है? इसके पास है, एक ही प्लेस तक आप एक्यूरेट हैं। फिर रिपीट करूंगा, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन में भी ये रूल इक्वली एप्लीकेबल है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आपको इस डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा, आपको इसको बेटे छोड़ना पड़ेगा। द मोमेंट यू विल बी लीविंग इट बिकॉज इट इज एट एंड नंबर इज मोर देन फाइव, आपका ये जो नंबर है इट विल बी गेटिंग इंक्रीज्ड बाय वन एंड योर रिजल्ट विल बी 17.1 मीटर्स आपका रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर एडिशन बेटा। सो इन दिस वे बेटे आप एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, आपका जितना भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिन जिन चीजों को आप ऐड कर रहे हो उनमें से जिसके पास डेसिमल के बाद मिनिमम प्लेसेस तक एक्यूरेसी है आप अपने रिजल्ट को उसके बराबर रखोगे। एक दूसरा तरीका और भी है, या तो ऐड करने के बाद राउंड ऑफ कर लीजिए
यहाँ क्या करिए, आप इसको साथ ही साथ राउंड ऑफ करते चले जाइए। इस तरफ मैं आपको करके दिखा देता हूं और अवर रिजल्ट विल मैच। दिस वाज 3.7, ये 13.07 है। आप इसको डेसिमल के बाद एक प्लेस तक रखना चाहते हो, यू नीड टू ड्रॉप दिस डिजिट। आपके पास आ जाएगा 13.1, जीरो की जगह पर वन आ गया, क्योंकि डिजिट टू बी ड्रॉप इज विद मोर देन 5। देन ये देखिए, डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं, यू नीड टू लीव दीज टू प्लेसेस, इनको छोड़ दीजिए, यू विल बी गेटिंग 0.3 ओनली। तो देखो, आप लोगों ने तीनों आपके जो नंबर्स ऐड होने वाले हैं, इनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स जितनी मिनिमम के बराबर थी उसके बराबर कर दी राउंड ऑफ करने के बाद। सो 7+3 10+1 11, 1 कैरी हो गया, 3+3 6+1 7, 17.1 यू विल गेट अगेन, और इधर भी आपका 17.1 था। सो इन दिस मैनर दो तरीके हैं, या तो आप अपने इंडिविजुअल जो ऐड होने वाले नंबर्स हैं इनको ऑलरेडी राउंड ऑफ कर लो, पहले ही राउंड ऑफ कर लो, और राउंड ऑफ कहां तक करना है, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक। दिया वांट्स टू से समथिंग, शी इज अनम्यूटेड। दिया सर, मुझे होता है को सिग्नल को एंटर कर लो, वो कह रहे हैं कि एंटर नहीं हो पा रहे। कौन बेटा? मुझे होता है को सिग्नल, उनको बोलो एक बार री एंटर कर जाए, मेरे पास आ नहीं रहा यहाँ पे बेटी उनका। ओके सर, थैंक यू। उनको बोलिए एक बार री एंटर कर जाए, आई एम अनएबल टू, मुझे दिख नहीं रहा स्क्रीन पे कुछ भी। सो इन दिस वे बेटा, हम अपना जो रिजल्ट है इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सो आई एम स्टिल अनएबल टू सी मंजोत एंड ओके, अब दिखा है मुझे मंजोत। यस बेटे, यस ठीक है, हो गया आप। सो बेटे, इज इट क्लियर टू ऑल बेटा अपने? यस बेटा, ओके नाइस बेटे। सो ये बेटे आप एडिशन और समेशन में ये वाला रूल जो है ये अप्लाई करके चलेंगे। आइए बेटे, अब हम बात करके देखें इसके साथ रिलेटेड एक दो बेटे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, पहले मैं वो सॉल्व कर दूं, देन आई विल बी मूविंग अहेड। 9.15+3.18, लेट्स डू दैट। 9.15, आपको जब भी पूछेंगे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एड द फॉलोइंग नंबर्स और सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो वी विल बी हैविंग द सम इज 9.15, इसमें 3.8 ऐड करना है। आइए देखें, कुछ भी मुश्किल नहीं, आपके यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद देखिए दो डिजिट्स हैं, आप इनको इसको पहले ही राउंड ऑफ कर लीजिए। सो इट विल बी 9.1 ऑड नंबर है, इट विल बिकम 2 जब आप 5 को ड्रॉप करोगे। दिस इज 3.8 एज सच, 8+2 10, 1 कैरी, ये बन गया 13.0। दिस इज द वन वे। सेकेंड वे क्या है? 9.15, 3.8, 5 आपका एज सच, एंड दिस इज 8+1 9 बेटा, 9+3 दिस इज 12, एंड दिस इज टू बी ड्रॉप बेटा। आप ड्रॉप करोगे तो ये आपका ऑड नंबर है, इसको 1 इंक्रीज करोगे, 1 इंक्रीज करोगे तो 10 बन जाएगा, 1 विल बी कैरीड अवे, इट विल बी 3 एंड इट विल बी 13.0। सो आई होप सारे स्टूडेंट्स को बेटा समझ आ गया होगा। नमन, देवनूर, रमन, अंजलि एंड ख्याति, वेरी नाइस बेटे। बेटे एक बात और सुनिए मेरी ध्यान से, जब भी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत करते हैं, मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि बच्चे सिंपली ऐड कर देते हैं, जैसे हमने लोअर क्लासेस में मैंने आपको पहले ऐड करके बताया था, और फिर वो बाद में कहते हैं सर हमारा नंबर क्यों कट गया है। सो बेटे इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है, तो यू आर टू मूव अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट और रूल बेटा। सो आइए बेटे, अब मैं आगे चलूं, इसके बाद मेरे पास बेटे सेकंड मेरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आप डिवीजन को क्वेश्चन भी बोल दिया करते हो,
वो करने के बाद आई विल कम अप विद फ्यू मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू द सेम कंसेप्ट बेटा. सो आइए डियर चिल्ड्रन फोकस करें मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इन ऑपरेशंस में हमारा किस तरीके से इस केस का ध्यान रखा जाता है. लेट अस बेटा कंसंट्रेट इन दिस केस बेटा. सो इन द प्रोडक्ट और कोशेंट, चाहे आप मल्टीप्लाई कर लो चाहे आप बेटे डिवाइड कर लो, दोनों ऑपरेशंस में एक ही रूल आपका जो है ये अप्लाई होगा. इस रूल के अकॉर्डिंगली बेटे आप जिन दो नंबर्स को या तीन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, जिस नंबर के पास सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम है, आपको अपने रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स मिनिमम रखनी पड़ेंगी. मैं रिपीट करूंगा, मैं वर्ड रिपीट करूंगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स इस केस में मैं बोल रहा हूँ, डेसिमल प्लेसेस नहीं बोल रहा हूँ बेटा. सो जब भी आप प्रोडक्ट की बात करो या डिवीजन की बात करो, आपको अब डेसिमल प्लेसेस को नहीं देखना बेटे, आपको देखना है कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास हैं. तो जितनी मिनिमम है आपको अपने रिजल्ट में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बराबर की फिगर्स जो हैं सिग्निफिकेंट उनको कर देना है. सो वी विल से दैट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द प्रोडक्ट और कोशेंट इज कैप्ट इन द प्रोडक्ट और कोशेंट is kept the same as the is kept the same as the number of significant figures beta smallest with any one of the factors as the smallest number of significant figures with the any of the numbers बेटे, any of the numbers का मतलब है जिनको आप multiply कर रहे हो या जिनका आप product ले रहे हो, that I do mean over here बेटे with any of the numbers. आइए 11.21 को 4.31 से multiply करके देखें, 11.21 को 4.31 से multiply करके देखें और अप्लाई करके देखें अपना जो रूल है यहाँ पे हमें क्या कहता है. आइए बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बिल्कुल जैसे हम छोटी क्लासेस में किया करते थे, मैं डेसिमल नहीं लगाता पहले, 1 1 2 1 ये डेसिमल यहाँ पे है, दिस इज इन माय माइंड, दिस इज योर 4 3 and 1, आपने मल्टीप्लाई किया, 1 से पहले आप मल्टीप्लाई किया करते हो, 1 2 1 1, यहाँ पे आपको आपके टीचर्स क्रॉस लगाने को बोला करते थे छोटी क्लासेस में, लगा दिया, 3 1s are 3 3 2s are 6 3 1s are 3 3 1s are 3, यहाँ पे फिर डबल क्रॉस लगाने को कभी कभी हमें कहते थे, 4 1s are 4 4 2s are 8 4 1s are 4 and again 4 1s are 4, हमने ये मल्टीप्लीकेशन पूरा किया. मल्टीप्लीकेशन पूरा करने के बाद लेट मी फोकस अपॉन नाउ द एडिशन, 1 plus, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, हमें जीरो भी नहीं पता यहाँ पे क्या है, दिस इज 1, 3 plus 2 5 6 plus 4 10 plus 1 11, एक कैरी हो गया, 8 plus 4 12 plus 1 13, अगेन कैरी हो गया, 4 plus 3 7 plus 1 8 एंड दिस इज 4, ये नंबर बना, 1 2 places यहाँ पे हैं, 2 places यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया. लेकिन कीप वन थिंग इन माइंड, ये सारा करते टाइम यहाँ पे मेरे पास कोई नंबर नहीं था, मैंने जीरो अपने मन में अज्यूम करके इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे नंबर कोई नहीं था, यहाँ पे कोई नहीं था. सो इन दिस वे बेटा हम अगेन कहीं ना कहीं अपने जो रिजल्ट्स निकाल रहे हैं इनमें हमारी उतनी एक्यूरेसी या उतना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है जितना हमें चाहिए. सो इसका डियर चिल्ड्रन बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, बेस्ट पॉसिबल वे जो है वो ये है
कि जो आपका रिजल्ट आ गया, आप अपने रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं, जो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपके नंबर्स हैं, जिन नंबर्स में से किसी के पास भी सबसे कम है उसके बराबर कर दीजिए। इसमें देखो पहला नंबर था, इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स बेटा 4 के बराबर है, इसमें आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 के बराबर है। तो कम कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। आपको अपने रिजल्ट में कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर के बराबर सिग्निफिकेंट फिगर्स रखनी पड़ेंगी। तो यहां कितनी आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स वी आर गेटिंग। लेट मी रीराइट दिस रिजल्ट। 4, 8.3151 ये है। आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए 3। आपको फिर ये सारे का सारा राउंड ऑफ करना होगा बेटा, और जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे, दिस इज द 3 फॉलोड बाय सम नंबर, बिकॉज 3 आपका ऑलरेडी 5 से कम है, यू नीड नॉट टू चेंज दिस नंबर 3। सो दिस विल बी इक्वल टू 48.3। इन दिस वे यू कैन गो फॉर विद योर बेटा रिजल्ट। 48.3 रिजल्ट आपको डियर चिल्ड्रन आपका मिल जाएगा। सो इसी तरीके से आप बेटे जो आपका एडिशन सॉरी क्वेश्चन है, जिसको आप डिवीजन भी बोला करते हो, उसमें भी आपने यही रूल जो है अप्लाई करना है। सो डियर चिल्ड्रन, मे आई एक्सपेक्ट सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है? बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। कई बार आपके एग्जाम में बिल्कुल पहला क्वेश्चन ही यहाँ से होता है। एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि एड दीज टू नंबर्स, या सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स, या मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, या डिवाइड दीज टू नंबर्स अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ योर सिग्निफिकेंट फिगर्स और अकॉर्डिंग टू द रूल्स अडॉप्टेड फॉर द एरर एनालिसिस बेटा। सो जैसे आप बता रहे हो आपको क्लियर है, मैं कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आपके लिए लिख के लेके आया हूँ बेटा। आइए पहले उनको कंप्लीट करें, देन वी विल बी थिंकिंग अहेड व्हाट टू डू एंड हाउ टू फिनिश विद दिस चैप्टर। छोटा सा मेरा अभी इसके बाद एक पॉइंट पड़ा है डिस्कस करने वाला, दैट आई विल बी श्योरली डिस्कसिंग, बट बिफोर दैट लेट अस हैव re-look on these rules बेटा। कुछ आपके लिए मैं दो चार problems लिख के लाया हूँ, आइए मैं उनको लिख देता हूँ, उसके बाद हम फिर discuss कर लेते हैं। पहला problem बेटा हमारा है 3.5 minus 2.51। second sum वाला मैंने आपको बीच में ही करवा दिया था, मैं और लिख रहा हूं, दिस इज 5.8, देन इट इज एडेड टू 0.125। आप अपना अपना साथ साथ करते जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्ड, दिस इज बेटे 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 125 बेटा। फोर्थ बच्चों मेरे पास है 6.75 × 10³ प्लस 4.52 × 10² बेटा। ये चार छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप लोगों को देखना है, सोचना है, सॉल्व करना है। आइए मैं भी करता हूं, आप अपना अपना करिए, देन वी विल बी बेटे क्रॉस चेकिंग अवर आंसर्स बेटा। सबसे पहला हमारा है बेटा 3.5, इसमें से माइनस किया 2.51 को। आप क्या किया करते हो जनरली, यहाँ पे जीरो अपने माइंड में ज्यूम कर लेते हो, मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ तो ये आ जाएगा, चलिए जीरो ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन होगा आपको फिर। तो इट विल बी 10 - 1 9, 4 बच गया यहाँ पे, 14 - 5 अगेन 9, दिस इज 0.99 आ गया। अब यहाँ पे कुछ था नहीं, आपका रिजल्ट डेसिमल के बाद दो प्लेसेस तक एक्यूरेट है, लेकिन आपका यहाँ पे डेसिमल के बाद एक प्लेस तक ही एक्यूरेसी था, तो आपको इसको पुत्र ड्रॉप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आप इसको ड्रॉप करोगे बिकॉज दिस नंबर इज मोर देन 5 बेटा, प्रीसीडिंग डिजिट नीड्स टू बी इंक्रीज बाई 1। तो जब आप इसको 1 करोगे ये 10 बन जाएगा, 1 कैरी होके आगे चला जाएगा, इट विल बी 1.0 बेटा। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, स्टिल वी हैव अनदर वे,
आपके पास ये 3.5 है, नो प्रॉब्लम विद इट, ये आपका राउंड ऑफ हो जाएगा। इसको वन को आप ड्रॉप कर दीजिए, 5 है, वन को ड्रॉप कर रहे हो तो आप 5 को कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये नंबर जो आप ड्रॉप कर रहे हो इट इज लेस देन 5। आप इसको माइनस कर दीजिए, 5-5 विल बी 0, 3-2 विल बी 1। अनलेस और अनटिल आप ये सारा नहीं लिखते, आपको नंबर आपका डेफिनेटली कटेगा, ठीक है बेटा। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, हमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को देखना है, अगर मल्टीप्लीकेशन है या क्वेश्चन है तो हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। सो डियर चिल्ड्रन, यू आर गेटिंग दिस आंसर मैच्ड और नॉट बेटा? यस ऑल ऑफ यू, यस बेटा, ओके नाइस, ठीक है। चलिए सेकंड वन अब देख लेते हैं। सेकंड वन चलिए मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, सेकंड आप कर लोगे, एडिशन है सिंपल। थर्ड वन भी आपके लिए छोड़ता हूँ, फोर्थ कर रहा हूँ बेटे मैं। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द फोर्थ प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें थोड़ा पावर्स आ रही हैं, तो इसको मैं पहले कर देता हूँ फोर्थ वाले को, बाकी चलो आप कर ही लोगे। फोर्थ वन इज 6.7510 डेज पर 3, इसमें ऐड किया 4.52 इंटू 10 डेज पर 2। देखने में हमें लगता है कि डेसिमल के बाद यहां भी दो प्लेसेस हैं, यहां भी दो प्लेसेस हैं, बट व्हेन वी व्यू द पावर्स तो हियर द डिफरेंस लाइज बिटी। पावर्स बिटी आपके दोनों जो न्यूमेरिकल फैक्टर्स हैं इनकी बराबर नहीं है, इसका एक ही हल होता है ऐसे केसेस में, पावर्स को बराबर कर लो। बराबर कैसे करोगे, या इसको 2 कर लो या इसको 3 कर लो। मैं इसको अगर 2 करूंगा तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल राइट 6.75 की जगह पे 67.5 इंटू 10 डेज पर 2, और इसमें क्या ऐड करूंगा मैं 4.52 इंटू 10 डेज पर 2। अब डियर चिल्ड्रन दोनों में 10 की पावर 2 को आप कॉमन एडजस्ट कर लीजिए, आपके पास बचेगा 67.5 प्लस 4.52 इंटू 10 डेज पर 2 बेटे। अब देखिए ध्यान से, इनको डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस है, यहां पे दो प्लेसेस हैं, राइट बेटा। तो आइए 67.5 4.52 ऐड करेंगे, यहां पे जीरो हम अपने मन में ही लगा लिया करते हैं, सो ये आपके पास बेटे आ जाएगा, ऐड कर रहे हो इट विल बी 2, 5+5 10, 1 कैरी हो गया, 8+4 12, अगेन 1 कैरी, दिस इज 7। अब आप देखिए आपको डेसिमल के बाद यहाँ इन दोनों में अगर आप कंपेयर करोगे तो मिनिमम प्लेसेस यहाँ पे हैं, तो आपके पास आ जाएगा ये 72.0 इंटू 10 डेज पर 2 बेटा, दिस विल बी द रिजल्ट। या आप ऐसे इसको लिख लीजिए 7.20 इंटू 10 डेज पर 3, दिस इज बिटी इक्वली करेक्ट। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। मैं बेटे फिर रिपीट करूंगा, जरूरी नहीं है आपने ऐसे ही करना है, आप इसको भी 3 पावर में एडजस्ट कर सकते हो। इसकी 3 पावर कैसे करोगे आप, 0.452 कर लीजिए। आइए मैं करके दिखाई देता हूँ ताकि आपके मन में कोई डाउट रह ना जाए डियर चिल्ड्रन, और डाउट फिर जब रह जाता है तो फिर वो धीरे धीरे जैसे टाइम निकलता है डाउट भी बड़ा होता जाता है, दैट शुड नॉट बी देयर। सो दिस इज 6.75 10 डेज पर 3, एंड इसको हमने लिखा 0.452 इंटू 10 डेज पर 3 कर दिया मैंने दोनों को ही, पावर 3 को मैंने कॉमन लिया, 6.75 प्लस 0.452 एंड पावर 3 मैंने बेटे एडजस्ट कर ली ऐसे। अब आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लीजिए, 6.75 0.452, दिस इज योर 2, 5 5s are 10, 1 कैरी, 7+4 11+1 12, अगेन 1 कैरी, ये आ गया। इसमें साथ ही आप पावर 3 लगा दीजिए। अब देखो डेसिमल के बाद दो प्लेसेस हैं यहाँ पे मिनिमम, यहाँ पे 3 है, हमें 2 रखनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू द रूल, तो अगर आप 2 रखोगे
आप अपने रिजल्ट को थोड़ा सा राउंड ऑफ करना होगा, आपको इसको ड्रॉप करना पड़ेगा बिकॉज द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5. तो वी कैन से दैट कि इन दिस केस हमारा प्रीसीडिंग डिजिट जो है दैट विल रिमेन एज सच. सो ये बन गया 7.20 इंटू 10^3 बेटा. सो मे आई होप कि बेटे सारे स्टूडेंट्स को बेटे क्लियर है ये सारे बच्चों को बेटा. ओके वेरी नाइस बेटा. किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइए सो दैट अकॉर्डिंगली हम इसको थोड़ा देख सके मैनेज कर सके बेटा. सो अब इसके साथ रिलेटेड बेटा और एक छोटा सा प्रॉब्लम है वो मैं आपको बेटे लिख देता हूँ, आप घर से करके देख लेना उसको. दैट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस बेटे. देन आई विल स्विच ओवर टू द न्यू आइडिया. एक दो मेरे छोटे छोटे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले पड़े हैं, फिर मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ. आइए बेटे बात करके देखें. वी वर टू हैव 1.53 एक नंबर है आपका, मल्टीप्लाई इट बाई 0.9995 0.9995 इसके साथ मल्टीप्लाई किया, देन डिवाइड इट बाई 1.592. देखो इसमें मल्टीप्लीकेशन भी आ गई, डिवीजन भी आ गई है. आप लोगों को इस केस में बेटा कैलकुलेटर मत यूज करिएगा, खुद मैनुअली करके देखिएगा. आपका रिजल्ट जो है आप इन द एंड आप देख पाएंगे कि आपका रिजल्ट जो है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको रिटेन करनी है. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, इसमें आपकी 4 हैं, इसमें भी आपकी 4 हैं. जब भी आप ये सारा ऑपरेशन कर लो, मल्टीप्लाई कर लो देन डिवाइड कर लोगे, तो रिजल्ट जो भी आपका बनेगा उसमें आपकी सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 से नहीं ज्यादा होनी चाहिए, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे टू यू बेटा. सो ये बेटे आपका था यहाँ पे कंसेप्ट जो है डिफरेंट ऑपरेशंस के ऊपर कैसे आप अपना ये सारे का सारा अप्लाई करोगे बेटा. सो आई होप कि सारी चीजें आपको पता चल गई होंगी. टाइम भी अब हमें अलाउ नहीं कर रहा है, टाइम आपका ऑलमोस्ट हो ही गया है, आगे वाला आइडिया मैं नहीं स्टार्ट करूंगा आज. सो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए. आई हैव फ्यू सेकंड्स लेफ्ट विद मी, अदरवाइज आई विल बी क्लोजिंग द मीटिंग बेटा. यस बेटे डियर ऑल, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत कोई पॉइंट है डिस्कस करने वाला? ओके बेटे ओके वेरी नाइस बेटा. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थम्स अप फ्रॉम माय साइड टू यू ऑल. कीप ऑन स्टडीइंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड बेटे. थैंक यू ऑल.